आज की जंगल बुक सफारी में हम जानेंगे इन यूरोपियन पंछियों के बारे में जो मक्खी खाते हैं, लड़ते लाल हिरनों के बारे में और नाचते हुए मंचूरियन क्रेन्स के बारे में। बकीरा कहाँ चला गया? तुम्हें तो पता है वो कितना शरारती है, लगता है कहीं छुप गया है। देखो वो यही था लाली, और यहाँ भी, और यहाँ भी। शायद बगीरा ने कटे हुए पेड़ के ऊपर से नदी पार की, उसे भीगना बिल्कुल पसंद नहीं। हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। वो क्या है? अरे सुन रहे हो, मुझे भूल गए क्या? यहाँ आकर देख लो मोगली को क्या खजाना मिला है बगीरा। मैं वहाँ तुम दोनों के लिए पूरा दिन छुप सकता था, पता है? ये इंसानी चीज है, मैंने ऐसी कई चीजें देखी थी जब मैं गांव में था। क्या सचमुच इनके पास इतनी सुंदर चीजें होती है? हाँ, वो इन्हें हर जगह पहनते हैं, अपने सिर पर, उंगलियों पर, हाथों पर, यहाँ तक कि पैरों पर भी। वो ऐसे भी पहनते हैं क्या? जानवर भी दूसरों को रिझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर बुल्गारिया के यूरोपियन बी ईटर को ही ले लो, उनके पंख बेहद खूबसूरत होते हैं। इन्हें कोई खजाने की जरूरत नहीं। जब मिलन का मौसम आता है और इन्हें अपने लिए पार्टनर चुनने का फैसला लेना पड़ता है, तब मेल्स को होने वाली गर्लफ्रेंड को रिझाना पड़ता है। इस वक्त माहौल काफी गर्म हो सकता है, दो मेल्स को अगर एक साथ एक ही फीमेल पसंद आ जाए तो दोनों में लड़ाई होती है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है, हारने वाला कोसो दूर रहता है। ये हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देकर रिझाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर गिफ्ट में ये मक्खियां या फिर कीड़े दे सकते हैं। कीड़ों भरा प्यार अपरंपार, लेकिन इस प्यार में लोचा ये है कि ये भी बहुत जरूरी है कि किसी कीड़े के डंक की वजह से गर्लफ्रेंड को चोट ना आ जाए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि गिफ्ट देने के बाद गर्लफ्रेंड मान ही जाए। ये सब होने के बाद मेल्स को इंतजार करना पड़ता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं। यूरोपियन बी ईटर्स इकलौते नहीं हैं जो अपने पार्टनर को लेकर झगड़ते हैं। यूरोपियन रोलर्स इसी तरह पार्टनर की तलाश में लगे होते हैं ताकि वो अपनी फैमिली बना सके। इन्हें भी गर्लफ्रेंड पटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगी। बी ईटर्स उन्हें रिझाने के लिए अपने उड़ने के और शिकार करने के तरीके दिखाते हैं। इनके लिए खाने में सबसे टेस्टी चीज है बीटल्स। ये भी बीज और बाकी के कीड़ों जितने ही टेस्टी होते हैं, पर इनके डंक नहीं होते। ये अपनी सुंदरता दिखाने पे आ जाएं तो किसी को रिझा सकते हैं। जब मेल अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं, तब उन्हें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कैसे दिख रहे हैं। जरा पंखों में कंघी कर ली जाए, और तो और बाकी पंछियों की तरह इन्हें रिझाने के लिए थोड़ा बहुत नाच भी लेते हैं। वैसे शादियों के मौसम में नाचना गाना तो होता ही है, लेकिन सबसे खास बात तो इनकी टेस्टी इंगेजमेंट ट्रीट होती है। अरे मजे करो भाई, हो सकता है खाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई हो, लेकिन उसने गर्लफ्रेंड पटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अब शांति से बैठकर यही उम्मीद करनी होगी कि गर्लफ्रेंड बनने को वो तैयार हो जाए। बी ईटर यूरोप के सबसे सुंदर दिखने वाले पंछियों में से एक है। उनके रंग बिरंगे लुक्स की वजह से इन्हें पहचानने में मुश्किल भी हो सकती है। जरा मुझे देखो, मैं हूँ राजा मोगली। मैं जंगल का देवता हूँ। तुम मुझे ये चमकती हुई चीज दे सकते हो मोगली? सपने में भी नहीं लाली, मैं एक इंसान हूँ तो इंसानों की चीज मुझे पहननी चाहिए। वो लाली, तुम कहाँ जा रही हो? मोगली को
और चमकीली चीज के साथ देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए मैं आ रहा हूँ जंगल का देवता। लगता है तुम्हारी ये चमकीली चीज परेशानियाँ खड़ी कर रही है मोगली। ये चमकीली चीज तो मेरे साथ क्यों नहीं बांटते मोगली? मैं क्यों बांटू? ये मुझे मिला था तो ये मेरा हुआ। लगता है नदी में चमकीली चीज वहाँ से आई है जहाँ इंसान रहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इस बात से लाली बहुत दुखी है। मुझे याद आया, लाल हिरण भी इसी तरह झगड़ते हैं, कभी किसी चीज को बांट नहीं सकते और अंत में झगड़ा हो जाता है। ऑटम के समय यूरोप के जंगलों में बहुत ही अच्छा मौसम होता है और ये मौसम इन लाल हिरणों के लिए बहुत खास होता है। ये मौसम लाल हिरणों की शादी का है। गुस्सैल हिरण लड़ाई के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को आसपास खड़ा करता है और बाकी के हिरण जिन्हें शादी करनी है वो इनकी अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई देखने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। नौजवानों को पता है कि अभी थोड़ी देर में इनकी लड़ाई शुरू होने वाली है। गुस्से वाला हिरण अपना तनाव बनाए रखने के लिए खुद को ऐसे दिखाता है जैसे वह जीत चुका है। यहाँ तक कि इस लोमड़ी को भी पता है कि क्या होने वाला है। एक बार इसके सामने असल में लड़ने वाला भी आ जाए तो साबित हो जाता है कि आज जमकर लड़ाई होने वाली है। ज्यादातर जानवर ये देखकर डर जाते हैं और जंगल में अशांत माहौल बन जाता है, इसीलिए सब दूरी बनाकर ये लड़ाई देखते हैं। ये अपना शानदार कद दिखाकर साबित करना चाहते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा काबिल है। जो जानवर मिलकर ये नजारा देख रहे हैं उनके लिए तो आज मजे ही मजे हैं। काफी वक्त तक सब दोनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। इतना टेंशन है कि समझ नहीं आ रहा। वो सामने लड़ने वालों को तरह तरह की आवाज निकाल कर डराते हैं। और ये लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो एक दूसरे के सामने आते हैं, फिर अपनी सींग टकरा कर आगाज करते हैं। बार बार लगातार ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं ताकि सबको दिखे कि दोनों में से ज्यादा ताकत किसमें है। बाकी के हिरण वहीं खड़े रहकर यह तमाशा देखते रहते हैं, खासकर फीमेल्स। वो देखना चाहती हैं कि इस लड़ाई में जीत किसकी होगी और उनके होने वाले बच्चों का पिता कौन बनेगा। यहाँ ये ताकतवर हिरण लड़ने में व्यस्त हैं। एक तीसरा हिरण मौका देखकर अपने झुंड में घुस जाता है। फीमेल्स में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। इस हिरण को पता है कि इसके पास गर्लफ्रेंड पटाने के लिए यही एक आखिरी मौका है। तो मोगली, तुम्हारी तरह लाल हिरण को भी चीजें बांटना पसंद नहीं। और इस तरह बाहुबली और भल्लाल देव आमने सामने टिके हुए हैं। देखना है कि देव सेना के दिल पर राज कौन करता है। लाल हिरण 20 साल तक जी सकते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके सिंह की शाखाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो मोगली, जाओ जाकर वापस रखाओ। अरे बल्लू, प्लीज रखने दो ना, बस एक दिन के लिए। मैं वादा करता हूँ वापस रखाऊंगा। ठीक है फिर, लेकिन सिर्फ एक दिन, और तुम्हें लाली को भी देना होगा, समझ गए ना? ठीक है, उसे मैं बाद में दूंगा। इस जंगल का देवता, सच बताओ तुम्हें जलन हो रही है ना कि तुम्हें ये क्यों नहीं मिला? ये क्या है मोगली? मेरा चमकीला, तुम्हें पसंद आया? नहीं, नजर में आने के लिए चमकीली चीजें पहनना जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मंचूरियन क्रेन, इनके खूबसूरत काले और सफेद पंख इन्हें देखने में खूब शानदार बनाते हैं और इनके सर का लाल निशान ताज की तरह लगता है। ये बहुत अच्छे डांसर होते हैं। वैसे भी बताया तो था, शादियों के सीजन में नाच गाना तो चलता ही रहता है। इनकी आवाज़ सुनने में बहुत तेज लगती है, पर ये नज़ारा देखने में बहुत अनोखा होता है। जब मंचूरियन क्रेन को पार्टनर मिल जाता है वो दोनों एक साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं और ये सिर्फ 30 साल तक जी सकते हैं। पंछियों की बाकी किसी प्रजाति की तरह ये सिर्फ डांस ही नहीं करते, लेकिन डांस के जरिए अपने लिए पार्टनर भी ढूंढते हैं। और सिर्फ यही नहीं, डांस करके ये अपने पार्टनर को थैंक यू भी कहते हैं कि उन्होंने साथ रहकर कितना अच्छा समय बिताया। इस मौसम में इस तरह डांस करके इन्हें बहुत प्यार बढ़ता है। जमीन पर नाचने से लेकर ये नाचते हुए आसमान में भी उड़ने लगते हैं, ऐसा किसी भी दूसरी प्रजाति में नहीं।
देखा जाता। इतना वजन और इतने भारी पंख होने के बावजूद भी इनका डांस ऐसा होता है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। मंचूरियन क्रेन का ये डांस क्रेन की बाकी प्रजातियों में से सबसे अलग है और सबसे मुश्किल है। बाकी पंछी अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा इसी इलाके में रहते हैं। इन्हें सफर करना उतना पसंद नहीं है, इसलिए एक ही जगह पर रहकर अपना पूरा वक्त बिताते हैं। बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मंचूरियन क्रेन की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। दुनिया में सिर्फ 2400 जितने मंचूरियन क्रेन बचे हैं। क्रेन की प्रजातियों में से यही एक है जिन पर खत्म हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। जरूरी खुराक के लिए मंचूरियन क्रेन पौधों के साथ साथ कई तरह के कीड़े, मछलियाँ, मेंढक वगैरह भी खाते हैं। पूरा दिन नाचने, खेलने और मस्ती करने के बाद ये अब घर लौट रहे हैं ताकि अच्छे से आराम ले सके। कितने प्यारे है ना, अगली सुबह उठकर काम पर भी तो जाना होता है। मंचूरियन क्रेन जापान का राष्ट्रीय पंछी है। जापान के झंडे पर बना लाल रंग का निशान इनके सर पर बने लाल ताज को दर्शाता है। अब झगड़ना बंद करते हैं और कभी नहीं झगड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक साथ रहे, मंचूरियन क्रेन की तरह। मुझे भी अच्छा लगेगा। इंसानों को ये समझना जरूरी है कि चमकीली चीजें रिश्तों जितनी खास नहीं होती।